सर, ये चुनावी माहौल में आप एक बात गौर कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं कर रहे होंगे। आज उसी का पर्दाफाश करता हूँ और सही तरीका से बताता हूँ कि आखिर भाई ये फायदा कैसे उठाया जा रहा है। सर, अभी लोकसभा चुनाव 2024 का जोरों शोरों से लोग तैयारी कर रहे हैं, वही भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो फायदा पे फायदा उठाया जा रहा है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये फायदा कैसे उठाया जा रहा है। सर, आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव का पवन सिंह भी उधर तैयारी कर रहे हैं, गुंजन सिंह भी उधर तैयारी कर रहे हैं, प्लस में मनीष कश्यप, बहुत सारे जो नेताएं बनने वाले हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, ये सारे लोग चुनाव के माहौल में व्यस्त है। सर, बीच में फायदा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी जी उठा रहे हैं। अब सोचोगे कि कैसे उठा रहा है, तो जरा समझो। यहाँ पे पवन सिंह भैया टक्कर होता था दोनों में कि हमारा गाना आएगा तो हमारा, यानी कि जब इनका गाना आता था तो इनका भी गाना आ जाता था। अब दरअसल हो ये रहा है कि पवन सिंह उधर चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, गुंजन सिंह उधर चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बड़ा लेवल का गाना या कोई बड़ा स्टार का गाना नहीं आ रहा है। एक वो है, वो सो कॉल्ड सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, वो भी गाना ला रहे हैं। देख रहे हो, रोज गाना रिलीज हो रहा है। ये चुनाव का ही फायदा उठा रहे हैं लोग और भर भर के कमा रहे हैं और भर भर के पैसा छाप रहे हैं। इससे फायदा इनको ये हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इसे गाना भी कम आ रहा है। जो भी गाना सामने आया, जिसका देखा कि भैया आज रिलीज हुआ है, वो चाहे अरविंद अकेला कल्लू हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे कोई भी अदर स्टार हो, उनका गाना क्लिक ज्यादा होता है, लोग ज्यादा सुनता है। पवन सिंह जी के भी फैंस इस तरफ आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी का गाना को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, ये इन्फॉर्मेशन आपको जान के कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।